अब मिलेंगे हम आपसे अगले रणछोड़दास मंदिर हम आपको दिखाएंगे और मचकुंड गुफा दिखाएंगे। तो भाई रास्ता है कुछ ऐसा रणछोड़दास धाम का, और अभी तो अच्छा है, बीच में तो बहुत कीचड़ आई थी भाई, और जंगल के बिल्कुल बीचों बीच में से है, और 6 किलोमीटर है ये धौरा से रणछोड़दास जी का मंदिर, और पूरा रास्ता ऐसा ही है। तो भाई ये हो रहा है जंगल का कटान, और आप देख रहे हो ना पूरी ये सूखी सूखी लकड़ी लेके जा रही हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है, ये सूखी इनको मिलती नहीं है, मिलती भी है लेकिन ये सूखी जब लेने आती हैं तो गीली लकड़ियों को, हरी लकड़ियों को काट देती हैं, काट के डाल जाएंगे। तो जब 2-4-5 दिन बाद आएंगे तो कुछ सूखी तो नेचुरल तरीके से मिल जाती है, बाकी तो सूखी ये जो काट के जाते हैं वो तो मिल ही जाती है। तो जंगल उजाड़ने का तरीका ये है। रास्ता आ गया कुछ ऐसा, छोटी सी है वाटर क्रॉसिंग, और ये जो छोटी वाटर क्रॉसिंग है ना, इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि जो पत्थर है वो पत्थर कौन सा ऊपर नीचे हो जाए, क्योंकि पत्थर सारे लूज होते हैं ये, तो जो ऊपर नीचे हुआ वहीं गाड़ी गिर जाती है। तो भाई अब हम आ गए हैं रणछोड़दास जी के मंदिर, जो बिल्कुल बेतवा नदी के किनारे पे बना हुआ है। ये देखिए, ये स्टार्टिंग में ही एक बड़ी अच्छी सी प्रतिमा दिखी है, और ये इनके सिर के ऊपर देखो, ये नीचे शिवलिंग है, और नंदी बाबा गिर गए, इनको उठा दिया जाए, नंदी बाबा गिर गए भाई, नंदी बाबा उठा दिए। फोटो ले सकते हैं क्या? आइए दर्शन करें पहले, निकाल मंदिर था रणछोड़दास जी का, वो प्राचीन मंदिर था, और ये कुछ यहाँ पे नए मंदिर भी बनाए हैं, और ये गणेश जी का मंदिर है, जगन्नाथ भगवान जी का मंदिर है। साइड काफी मंदिर बने हुए हैं यहाँ पे। तो रणछोड़दास का जो मंदिर है, उसी मंदिर के बिल्कुल बराबर से बह रही है बेतवा नदी। तो शास्त्रों में बेतवा नदी, रणछोड़दास मंदिर और मचकुंड, ऐसा कहा गया है कि ये तीनों एक जगह होंगे, तब इसकी जो पूरी कहानी है वो समझ में आएगी। तो बेतवा नदी, ये मेरे पीछे पूरी बेतवा नदी चल रही है, और बेतवा नदी का जो ये जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ ये यूपी का पार्ट है, और जैसे ही उस साइड हम क्रॉस करेंगे तो एमपी स्टार्ट हो जाएगा।
ये मचकुंद गुफा की रास्ता है और हम जा रहे हैं मचकुंड की गुफा। और मचकुंड की गुफा की क्या स्टोरी है वो मैं आपको बताऊंगा वहीं पे चल के। और अभी तो आप ये देखिए, ये जो रोड है ना, ये है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, जो एरिया है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एरिया में ना रोड बनाने की परमिशन वगैरह नहीं मिलती है, तो इसलिए ये कच्चा रास्ता है। इसी रास्ते से हमने जाना है आगे तक, और यहाँ से है मचकुंड की गुफा 3 किलोमीटर। तो भाई जंगल में कोई है नहीं हमारे सिवाय, और कितनी शांति है यहाँ पे। बिल्कुल जैसे मैं भी थोड़ी देर पहले मैंने बाइक को बंद किया था, तो इतनी पेड़ों की और चिड़ियों की, कीड़ों की आवाज़ें आ रही थी, और बिल्कुल भी कोई अलग तरीके की आवाज़ नहीं थी। वो सारी सिर्फ जंगल से रिलेटेड, प्रकृति से रिलेटेड आवाज़ें थी। हम कैसी कैसी जगह को एक्सप्लोर कर रहे हैं, और यहाँ मुझे लगता नहीं कोई आता होगा, क्योंकि टूरिस्ट तो आएगा ही क्यों, और कार वार तो यहाँ पे वैसे भी नहीं आ पाती है, या तो थार टाइप की कोई गाड़ी हो वही आएगी। और बाइक से कितने लोग बाहर के आते होंगे यहाँ पे, लोकल बात अलग है। तो भाई ऐसी जो अनएक्सप्लोर्ड जगह ही मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, और आप लोगों को अगर ये सब जगह पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे कि इसी तरीके के और भी वीडियो मैं आप लोगों को दिखा पाऊँ। और जो डेस्टिनेशन है वो आ चुका है, शायद यही है मचकुंड गुफा, यही है भाई। तो भाई मचकुंड की गुफा पर हम आ चुके हैं, और उधर हमने बाइक लगा दी है, इधर ये नीचे जाने का रास्ता है, और ये जो रास्ता है ये कच्चा वाला रास्ता है, इससे हम आए हैं। तो यहाँ पे कुछ लोग भी हैं जो कुछ अपना पिकनिक टाइप का कर रहे हैं, भंडारा वगैरह, तो खाना पीना बनाएंगे। यहाँ से ये रास्ता जाता है नीचे की ओर, तो अब हम चलते हैं नीचे की तरफ और देखते हैं कहाँ पर बनी है मचकुंड की गुफाएँ। तो भाई इस तरीके का हो रखा है कुछ सीन यहाँ पर, ये मचकुंड की गुफाएं हैं, और ये नीचे देखो कितना डाउन में जाके एकदम से खाई है, और ये भी गुफाएं हैं। और ये गुफाएं बिल्कुल इसी तरीके की गुफा मैंने बुंदेलखंड राइड में दिखाई थी। ये चल रहे हैं हम गुफा के नीचे से, ऊपर से टपक रहा है पानी, तो बड़ी अच्छी सी जगह है ये। हाँ, साधु संत लोग भी लेटे हुए हैं। तो यहाँ पे कई सारी गुफाएं हैं, इन गुफाओं में ये बाबा लोग रहते हैं, और यहाँ पे भी कुछ ये खाली सी गुफाएं बनी हुई हैं। इन महाराज जी ने हमें बताया कि श्री कृष्ण और जरासंध का युद्ध चल रहा था, और जरासंध का दोस्त था कालयवन। कालयवन को भगवान शंकर जी ने ये वरदान दे दिया था कि तुझे ना चंद्रवंश मार पाएगा ना सूर्यवंश मार पाएगा। तो जरासंध ने कालयवन को अपनी मदद के लिए बुला लिया। तो श्री कृष्ण कालयवन को मार नहीं सकते थे, क्योंकि उसको वरदान मिला हुआ था। तो युद्ध करते करते श्री कृष्ण भाग गए। तो जब युद्ध में से भागे तो उनका एक नाम पड़ा रणछोड़दास। तो वहां से भागने के बाद श्री कृष्ण जी आ गए जहां मचकुंड जी लेटे हुए थे, और श्री कृष्ण ने क्या किया, जो उनकी पीताम्बरी थी, जो वस्त्र था उनका,
वो मचकुंड महाराज के ऊपर डाल दिया और खुद जाके वो एक गुफा में बैठ गए। तो जब कालियावन वहां पे आया और उसने देखा गुस्से में कि ये तो श्री कृष्ण लेटे हुए हैं, तो उसने बड़ी जोर से उसके कपड़े को खींचा और जैसे ही कपड़ा खींचा तो मचकुंड महाराज जाग गए। और मचकुंड महाराज को इंद्रदेव से ये वरदान प्राप्त था कि उनको जो सोते हुए में जगाएगा वो भस्म हो जाएगा। तो जैसे ही मचकुंड महाराज जगे और उन्होंने देखा, और जैसे ही उनकी नजर कालियावन पे पड़ी और कालियावन भस्म हो गया। तो ये कालियावन को मारने के लिए श्री कृष्ण की एक चाल थी। उन्हीं मचकुंड महाराज की गुफा के नाम पे ये गुफा बनी हुई है और हम आज यहाँ पे देखने के लिए आए हैं। तो यहाँ पे हैं ये सीढ़ियाँ, और सीढ़ियों के बाद वो सामने गुफा है, वहाँ जाएंगे हम लोग। और ये सीढ़ियाँ नहीं है बेसिकली, ये पहाड़ कोई थोड़ा थोड़ा सा काट के रास्ता बना दिया है चढ़ने का। तो भाई जो मचकुंड वाला डेस्टिनेशन था वो हमारा कवर हो गया है, और अब हम यहाँ से जाएंगे वही जंगल वाले रास्ते में से जो ऑफ रोड है। गोलगप्पे दिख गए भाई, तो उसको बोल दिया छाया में लगा दे, और छाया में लगाते हैं और खाते हैं भाई गोलगप्पे। हम भी गाड़ी को छाया में लगा देते हैं।